जय हिंद दोस्तों, हम लोग इस समय मौजूद हैं नई बनी नगर पंचायत लम्भुआ में। नगर पंचायत बनने के बाद लम्भुआ को 15 वार्डों में बांटा गया है। इन 15 वार्डों में 15 सभासद होंगे, जिनमें से अभी इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 में। आइए, यहाँ से सभासद प्रत्याशी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है और किस सिंबल से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा नाम विजय कुमार सिंह है। हमारी पत्नी जो है यहाँ से किरण सिंह चुनाव लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी सिंबल से। अभी तक तो ये पूरा ग्राम सभा थी, कई गांवों को एक करके ये नगर पंचायत बनाया गया, जिसके बाद वार्डों को अलग अलग बनाया गया। उसमें आप सभासद के प्रत्याशी हैं या आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं, तो किस तरह देख रहे हैं ये जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? ये इलेक्शन ठीक है, अच्छा है हमारे लिए जो है, क्योंकि जो भी वार्ड बनाए गए हैं सब एक निश्चित तरीके से बनाए गए हैं, सब अपना अपना सिर्फ गांव-गांव ही मिला है सबको, इसलिए चुनाव अच्छा जाएगा। अच्छा, ये बताइए जो आपको आपका वार्ड है वार्ड नंबर 6, इसमें आप जनसंपर्क कर रहे हैं? जी, सबसे मिल रहे हैं, सबसे जनसंपर्क हो रहा है। तो इस जनसंपर्क में आपको पता लगा कि जो ये वार्ड है, इस वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? वो तो हम लोग यहाँ भी बताए कि जो है पहले से ही हमारा गांव है, सिर्फ गांव का ही एक वार्ड बना है, इसलिए यहाँ की हर समस्या से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर नाली पानी और कॉलोनी आदि की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ आरओ का पानी इससे पहले तो आता नहीं हुआ ग्राम सभा थी, अब जो नया मतलब नगर पंचायत बनी है उससे पहले भी जब प्रधानी थी तब भी नालियाँ साफ़ करने के लिए सफाई कर्मी होते थे। अगर नगर पंचायत बनने के बाद भी होंगे तो क्या लग रहा है अब में कुछ अंतर होगा? जी, अंतर बहुत होगा, वो सब फिर से सब दूसरे हिसाब से कराना पड़ेगा, चूँकि नालियाँ सब छोटी हैं, उसको चौड़ीकरण कराना होगा, क्योंकि छोटी वजह से यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। किन मुद्दों को लेकर आप इस सभा सदी के चुनाव देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? मैं यहाँ पर संपूर्ण विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जितना भी काम हुआ है सब आधा और अधूरा है, उसी को पूरा करूँगा। इससे पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं? जी, इससे पहले मैं एक बार प्रधान का चुनाव लड़ा हूँ, उसके पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ। जी, जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता से कैसा आश्वासन मिल रहा है आपको? नहीं, जनता से बहुत अच्छा आश्वासन मिल रहा है। क्या लग रहा है 13 तारीख को जब गिनती होगी तो आपका नाम ऊपर आएगा? जी, ऐसा लग रहा है कि गिनती होने के बाद मेरा ही नाम ऊपर आएगा। अगर आप सभासद बन के आते हैं तो अपने वार्ड में आप सबसे पहले कौन सा 3 कार्य कराएंगे? हमारे वार्ड में सबसे पहला 3 कार्य तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाली है, क्योंकि ये इतनी पतली नालियां हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई हो नहीं पाता है, तो सबसे पहले इनको चौड़ीकरण करा के जो है पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा काम, यहाँ पर जितने भी नल हैं 80% जो है पानी सबका ख़राब है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाएगी, आरओ लगवाया जाएगा। और तीसरा काम, ये जितने भी आवास आवंटित नहीं हुए हैं उनको दिलवाया जाएगा और नया आवास फिट किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 6 से सभासद प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो पहली बार सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं लम्भुआ नगर पंचायत से। आप लम्भुआ, कादीपुर, कोयरीपुर, दोस्तपुर के साथ साथ सुल्तानपुर नगर पालिका की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर से। कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद।